Very good morning, class 8. Now first, we are going to have revision of sunbeams. Children, come on, let us revise our literature part. Okay? You know, we have lessons I've given you till here. The day of the bare feet we have done 9 gold medals, right? But you will be letters. Last part again, visit to Cambridge, the cat with the crowded home, Abraham Lincoln, Anton the cricket. This is Geordie's phone. These are the chapters which is coming in your examination. And let me tell you children that we have started this time, we've told you internal questions will be framed and asked in the examination. So children, I have worked very hard for you people, and I hope you will also put your input like me and try to score good marks. I have tried to touch every lesson so that you also know how to frame internal questions. Now, in this 40 marks paper, you won't be getting any word meanings as you got it in your unit test and the periodicals. This is half yearly. You might get one or two extracts. So out of these lessons which are very important, I have made some extracts. I've taken some extracts made for you and tried to explain you so that you understand and are able to give your answer during your paper. So let us come. Reference to context, RTC. He can ride back with me. I will help him find it. Now children, this is to be searched in mind which chapter it is. Until and unless you read the chapter, you have to go through these chapters. He can ride ye घोड़े पर सवार होकर मेरे साथ वापस आ सकता है. मैं उसकी ढूंढने में मदद करूंगा. बेटा ये शुरू में ही पहला ही चैप्टर है, द जॉडीज फॉन. याद करो, ये मिलविल कहता है. मिलविल ने बोला था ही कैन राइड बैक विद मी. ही किसके लिए बोला? जॉडी के लिए. मी किसके लिए बोला? मिलविल, मेरे साथ. हु सेड दिस टू हुम? तो आप लिखेंगे मिलविल सेड टू जॉडीज मदर, कि जॉडी मेरे साथ जाएगा. मिलविल ने कहा, जॉडी की मदर को कहा, वेयर आर दे गोइंग टू राइड बैक? वो कहाँ राइड बैक करने जा रहे हैं? जंगल में. दे आर गोइंग टू राइड बैक टू द फॉरेस्ट. बस, यू गेट द आंसर. व्हाट विल आई हेल्प हिम टू फाइंड? उसने कहा, क्या मैं उसको हेल्प करूँगा फाइंड करने के लिए?
और क्यों, वाई, क्या हेल्प करने के लिए बोला था? आई विल हेल्प हिम टू फाइंड द फोन बिकॉज इट इज ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। मिलविल ने उसको कहा था कि मैं उस फोन को जंगल में ढूंढने में जॉडी की मदद करूंगा, क्योंकि अब डो मर जाने के कारण फोन अकेला है, जंगल में अकेला है। ठीक है, अब एक और देखा, एक्सट्रैक्ट ऐसे आना है, अभी एक एक्सट्रैक्ट बनाया और बनाया। कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटामरान्स फ्री टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। ऐसी कौन सी पोएम पढ़ाई है, कौन सी कम समझी है हमने ऐसी सी वाली, याद आया? फिशर्स, कोरोमंडल फिशर्स। नेम द पोएट एंड द पोएम, पोएम कौन सी है बताइए, और उसका पोएट कौन है? व्हाट इज द वेल्थ ऑफ द टाइड, दूसरे में कहता है ना, टू कैप्चर, कैप्चर मीन्स इकट्ठा करना, द लीपिंग उछलती हुई वेल्थ धन ऑफ द टाइड, ज्वार जब आता है समुद्र में तो ये वेल्थ ऊपर नीचे होती है और मछुआरे उसको कैप्चर कर लेते हैं, मच्छियों को पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर वेल्थ ऑफ द टाइड क्या है, मच्छी है। व्हाट डज द वर्ड कैटामरान मीन, अब उसने इसी में से ये कैटामरान क्वेश्चन बना दिया है, ये कैटामरान का क्या मतलब होता है बेटा? आपको पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था मैंने, बोट, किश्ती, कैटामरान क्या होती है, किश्ती, ठीक है, और पैरेलल उसके साइड्स में हिल्स चल रहे हैं, उसको कैटामरान कहते हैं। चलो, सो नेम द पोएम, ओहो हो हो, नेम द पोएम एंड द पोएट, द पोएम इज कोरोमंडल फिशेस, दिस आई वाज ड्राइंग लाइन, ओहो गॉड, द पोएम इज कोरोमंडल फिशेस एंड द पोएट नेम इज सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वेल्थ ऑफ द टाइड, सिंपल एक नंबर का आंसर, द वेल्थ ऑफ द टाइड इज फिश, समझ आना चाहिए आपको बस। कैटामरान का क्या मीनिंग है, कैटामरान मीन्स बोट विद टू पैरेलल हिल्स, एक किश्ती चल रही है और साइड साइड में पैरेलल पहाड़ियां चल रही है। ओके, चलो अब देखो, सारी पोएम टच कर लिए मैंने, अब ध्यान दो, बट हिज पावर काउंटेड, अगला देखिए, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट कहते हैं नथिंग, कुछ भी नहीं, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर है, शक्ति है, वो कुछ के बराबर नहीं है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और ये कहते हुए वो अपने रथ में चला गया। अब बताओ रथ वाली बात कहाँ है, रथ में कौन बैठता है, रथ में राजा बैठता है। अभी बात याद करो कि कौन सी पोएम थी, ठीक है, ये किंग वाली पोएम थी जो हमने पढ़ी थी, लास्ट बार्गेन, कौन सी, लास्ट
bargain. Who is he? यहाँ he went away. He is the king. He कौन है? King. Second question कहता है name the poem and the poet. आपको मालूम हो गया the poem is Last Bargain and the poet is Rabindranath Tagore. इस poem के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर. और वही बात दोनों इजी समझ आने की देर है. एक्सप्लेन काउंटेड फॉर नॉट, इसका क्या मतलब हुआ? काउंटेड फॉर नॉट मीन्स टू बी कंसिडर्ड फॉर नथिंग. काउंटेड फॉर नॉट मीन्स टू बी कंसिडर्ड फॉर नथिंग. द ऑथर मीन्स दैट किंग्स पावर वॉज नथिंग फॉर द पोएट. और विस्तार में मैंने आपको समझा दिया. अगर आप कंसिडर्ड फॉर नथिंग तक ही लिखो कोई बात नहीं, ये मीनिंग हो गया. काउंटेड फॉर नॉट मीन्स टू बी कंसिडर्ड फॉर नथिंग. द ऑथर मीन्स दैट किंग्स पावर वॉज नथिंग फॉर द पोएट. राजा की पावर कवि के लिए कुछ नहीं थी. आइए नेक्स्ट देखिए. Reference to context. I might mention Mungo Jerry. I might mention Griddle Bone. I might mention Mungo Jerry. I might mention Griddle Bone. Are nothing more than agents for the cat. Are nothing more than agents for the cat. Who all the time just controls dear the Napoleon of crime. Napoleon of crime, पता चल गया आपको कौन सी पोएम है? वो कैट वाली, मिस्ट्री कैट वाली. क्वेश्चन नंबर वन, Who is the Napoleon of crime? The Napoleon of crime किसको कहा गया है? पोएम का नाम लिख दीजिए. The Napoleon of crime is Macavity, the mystery cat. Macavity, the mystery cat is the Napoleon of crime. Name the poem and the poet. Name the poem and the poet. Poem ka naam batao. Poet ka naam batao. Poet hai T.S. Eliot. T.S. Eliot. अब पोएम का नाम है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट. मैकावेटी द मिस्ट्री कैट एंड द पोएट इज T.S. Eliot. वो कहता है नेम द एजेंट्स मेंशनड इन द पैराग्राफ. एजेंट्स कौन से मेंशन हुए हैं पैराग्राफ से देख के बताओ. नेम द एजेंट्स मेंशनड इन द पैराग्राफ. भाई इसमें तो कहीं पे एजेंट्स तो कुछ यही है, क्रिडलबोन और मुंगो जैरी. वो कहता ना आई माइट मैंशन मुंगो जैरी, आई माइट मैंशन क्रिडलबोन. इमेजिन है. तो आप बोलोगे तो एजेंट्स मैंशनड इन द पैराग्राफ आर मुंगो जैरी एंड क्रिडलबोन. मुंगो जैरी एंड क्रिडलबोन. ओके चलो. सो दीज आर द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. And I have prepared 5 reference to context and similarly 10-15 questions I have prepared from your chapter. Let us start with the chapter part. How did the doe save Penny's life? Doe ne Penny ki jindagi kaise bachayi? Pehla hi lesson hai. How did the doe save Penny's life? डो ने पैनी की ज़िंदगी कैसे बचाई? भाई डो का लिवर निकाला गया और उसके पॉइजन से पैनी को ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि पैनी को जंगल में एक रैटल स्नेक ने डस लिया था. ये आंसर है बस. रटना नहीं है, लाइंस देखो, समझो, पोएम को याद करो, चैप्टर को याद करो, सबकॉन्शियस माइंड में लिखो. अब आया ये जोड़ी स्वान का है. जोड़ी लड़का था, पैनी उसका फादर था जिसको सांप काटा था.
Penny was bitten by a rattlesnake. एक रैटल स्नेक ने पैनी को डस लिया था. एज अ रेमेडी उपचार इलाज द डोज लिवर वॉज यूज टू ड्रॉ आउट द पॉइजन टू सेव पैनीज लाइफ. ठीक है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, 2-2 marks में होंगे. पैनी वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक और उसको एक रेमेडी के लिए उसका लीवर यूज़ किया गया डो का और पैनी की जान बचाई गई. हु वॉज पैनी, वेयर वॉज ही बिटन, पैनी कौन था, उसको कहाँ काटा गया. सिंपल, पैनी वॉज जोडीज फादर, जोडी के पापा का नाम पैनी था. ही वॉज बिटन बाय अ रैटल स्नेक इन द फॉरेस्ट, उनको जंगल में एक रैटल स्नेक ने डस लिया था, काट लिया था. ओके चिल्ड्रन, अब थोड़ा स्पीड से चलें भाई. विद व्हाट इज द विंड बीइंग कंपेयर टू और व्हाई, विंड को किस चीज़ के साथ पोएम में कंपेयर किया जा रहा है और क्यों. भी हवा को काय से कंपेयर किया जा रहा है, पहली बात पूछी, और क्यों. हवा को एक छोटे बच्चे की तरह कंपेयर किया जा रहा है, हवा को, बहती हवा को एक बच्चे की तरह कंपेयर किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे विंड लाइज स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड हु हैज क्राइड ऑल नाइट. बच्चा जो सारी रात रोया और अब अपने डॉन की आर्म्स, डॉन कहते हैं सवेरा, तड़का, डॉन की आर्म्स में अब वो सो रहा है. ऐसे करके विंड का कंपैरिजन किया गया है. बहती हुई मन मन ठंडी हवा जो है एक बच्चे की तरह लगती है, जैसे कि बच्चा आर्म्स में सो चुका है डॉन की, सारी रात परेशान रहा हो जैसे. हु हैज़ क्राइड ऑल नाइट, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ विंड, हवा की हलचल बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स वाई द पोएट हैज़ कंपेयर्ड द विंड टू अ चाइल्ड हु इज़ फास्ट एस्लीप. ये थोड़ा सा दो लाइन मैंने और आगे एक्सप्लेन कर दिया है, ज़रूरत है भी नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा समझाने के लिए कि हवा मंद मंद, मूवमेंट ही नहीं है और इसी कारण पोएट ने विंड को एक बच्चे के साथ कंपेयर किया है जो कि सो चुका है, फास्ट एस्लीप. आ जाओ आगे, अब्राहम लिंकन वाला चैप्टर में से लिया. What lesson did Abraham Lincoln want his son's teacher to teach him about the kinds of men in the world? ये क्वेश्चन कितना बना है लेकिन है उस चैप्टर बड़ा सौखा है. अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को क्या सिखाने के लिए कहा और लोगों के बारे में. अब्राहम लिंकन क्या चाहता था कि उसके सन का टीचर उसको टीच करे इंसानों के बारे में जो इस दुनिया में. अब्राहम लिंकन वांट्स हिज सन्स टीचर टू टीच दैट, ये चाहता था कि वो, फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड, हर दुश्मन के लिए एक दोस्त है. ही वांट्स हिज सन टू नो दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट. अब्राहम लिंकन चाहता था कि उसका बेटा पहचाने जाने कि सारे इंसान न्यायपूर्वक नहीं होते, सच्चे नहीं होते. दैट ऑल मैन आर नॉट ट्रू, सच्चे नहीं होते, सारे जस्ट नहीं होते. जैसे कि ऑल्सो फॉर एवरी विलियन, अगर एक विलियन है, धूर्त बंदा है, तो देर इज़ अ हीरो. अगर विलियन है तो वहाँ हीरो भी है, और अगर एक क्रूकड पॉलिटिशियन है
तो एक अच्छा टीचर भी है समझाने वाला, ठीक है। फॉर एवरी क्रूकड पॉलिटिशियन, और हर भ्रष्ट नेता के लिए देर इज अ डेडिकेटेड टीचर। तो ये अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में आपको लिखना, मैंने लिख के बताया कि वो अपने बच्चे को ये सिखाना चाहता है कि अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन का दोस्त भी है, ठीक है। और ये भी सिखाना चाहता है कि सारी दुनिया के लोग बराबर नहीं हैं, जस्ट नहीं हैं, सच्चे नहीं हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन क्रूकड है तो एक डेडिकेटेड टीचर भी है, भगवान ने एक ऐसा टीचर भी बनाया जो डेडिकेटेड होते। आइए, वाई वॉज नासरुद्दीन नेबर अपसेट आफ्टर फॉलोइंग नसरुद्दीन एडवाइस। नसरुद्दीन की प्रेरणा लेने के बाद उसका पड़ोसी क्यों परेशान था? भाई उसका पड़ोसी नसरुद्दीन का इसलिए परेशान था, एक तो था एक ही कमरा, जगह बहुत तंग थी, और उसने उसको बल्कि कह दिया था कि जानवर रख ले, लैक ऑफ स्पेस थी वहाँ। क्या कहा था? जानवरों को अंदर ले जाए, लैक ऑफ स्पेस। नासिरुद्दीन वॉज अपसेट आफ्टर फॉलोइंग हिज एडवाइस बिकॉज हिज फैमिली वॉज अनॉयड विद हिम। उसका परिवार उससे नाराज था। दे आर्ग्यू एंग्रीली, गुस्से में वो उसके साथ बहस करते। विद हिम कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ स्पेस, उनको गुस्सा आता और वो ये कंप्लेन करते हुए लड़ते कि आ गई जगह नहीं और तू जानवरों को अंदर डाले जा रहा है। पर उसने तो नासिरुद्दीन की एडवाइस मानी थी। दे वर ऑल मिजरेबल, बहुत परेशान थे क्योंकि बैठने उठने की जगह तक नहीं, तो सिंपली आप बोल सकते हो लैक ऑफ स्पेस। वाई वॉज नासिरुद्दीन नेबर कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ स्पेस। अब इसी को घुमा दिया मैंने, नासिरुद्दीन का नेबर लैक ऑफ स्पेस के लिए क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि उसका एक छोटा सा एक ही कमरे का क्रैम्प्ड हाउस है, उसको वो शेयर कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, उसके साथ तीन बच्चे हैं, फिर उसकी मदर इन लॉ है, सास है, सास, तीन बच्चे, और वो खुद एक क्रैम्प्ड हाउस में रह रहे हैं किराए के, ठीक है, और उनके पास जगह नहीं। आइए लेटस अगला चैप्टर, लेटर्स देखो। लेटर्स में से व्हाट डिड द मदर टेल मैग बिफोर लीविंग द हाउस। घर से बाहर जाने से पहले मैग ने क्या कहा, मदर ने मैग को क्या कहा, याद आया? मिसेस मार्च का आदमी वॉर में जख्मी था, उसको देखने के लिए जाती है वो मिसेस मार्च, उसने पैग को कहा था, मिसेस मार्च टोल्ड मैग टू बी प्रूडेंट, सियानी बन के रहना, पीछे से बहनों का अपनी देखभाल करना, लड़ना नहीं, कोई बात हो जाए तो नौकरानी हाना से कंसल्ट कर लेना, और कोई ज़्यादा ही कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो मिस्टर लॉरेंस को पकड़ लेना, मिस्टर लॉरेंस से मदद लेना। आ गया समझ? मदर जब जाती है तो मैग से कहती है, मिसेस मार्च टोल्ड मैग टू बी प्रूडेंट, आप बड़ा करके लिख सकते हैं, वॉच ओवर हिज सिस्टर्स, मतलब टेक केयर ऑफ हर सिस्टर्स, बहनें थी उसकी, कंसल्ट हाना, नौकरानी को कंसल्ट करे अगर, एंड इन एनी परप्लेक्सिटी टू कंट्रैक्ट मिस्टर लॉरेंस, और अगर कोई कन्फ्यूजन उसको हो जाती है किसी बात की तो वो मिस्टर लॉरेंस जो हैं लैंडलॉर्ड उनसे पूछ ले। लो जी, पोएम में से रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट भी एक क्वेश्चन बना दिया एक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मिस्ट्री कैट। पूरी पोएम में मिस्ट्री कैट को कैसे डिस्क्राइब किया? द पोएट सेज दैट देयर इज नो वन लाइक मकैवर्टी बिकॉज ऑफ द डेविलिश नेचर। ये डेविल है एक तरह की, धूर्त नेचर की बिल्ली है, रहस्यपूर्ण बिल्ली है मकैविटी, और वो
कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ती और क्राइम करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है. ही कमिट्स क्राइम विदाउट लीविंग एनी इन्वेस्टिगेटर्स टू हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम. इंग्लिश आप इजी भी बना लो, कोई ऐसी बात नहीं, आपको बनाना सीखना है, अब आनी चाहिए. वो कहीं पे भी कमिट करती है क्राइम और कोई भी एविडेंस, कोई भी क्लू इन्वेस्टिगेटर्स के लिए छोड़ती नहीं है, जिससे कि उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उसको पकड़ा जाए, कहा जाए. हु वॉज द पुअर मैन द गाइड वॉज मैंशनिंग टू द राइटर, वाई वॉज ही सेइंग सो. अब इसके लिए बहुत ध्यान होना चाहिए, नहीं तो कोई भी बच्चा क्लास का इसका आंसर नहीं दे पाएगा. मैं बता रहा हूँ, इसमें ध्यान होना चाहिए. पुअर मैन किसको कहा गया है? अब 10 लेसन हैं इसमें. पुअर मैन किसको कहा गया है राइटर द्वारा और ऐसा क्यों कह रहा है? यहाँ पुअर मैन स्टीफन हॉकिंग को कहा गया है राइटर द्वारा. क्योंकि क्यों कहा गया? क्योंकि बेचारा सारी जिंदगी व्हीलचेयर के साथ जुड़ा रहा और हम लोगों से बिल्कुल अलग था. याद आया स्टीफन हॉकिंग्स? ना बोल पाता था, बटन से बात बताता था कंप्यूटर पे, जिसे कंग गए थे मिलने. आई सो द पुअर मैन द गाइड मेंशन्ड वाज स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग का ही सेड सो बिकॉज द लेटर वॉज डिफरेंटली एबल्ड एंड वॉज कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर. और उसको ऐसे इसलिए कहा क्योंकि वो हर इंसान से, हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था और व्हीलचेयर पर कन्फाइंड था. Who has been referred as the rosy-faced mandarin? Why? देखा बच्चों, सर ने फिर बीच बीच में से क्वेश्चन ऐसे बनाए, अगर मैं रिवाइज ना कराऊँ तो उनको, यू आर गॉन. और जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा वो भी गॉन है. गॉन केस, बताओ कौन सा केस? जब वो खड़ी होती है विंडो के पास और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही होती है, रोजी फेस्ड मैंडरिन उसको. बैट लेटर्स का ही है चैप्टर. हु हैज़ बीन रेफर्ड एज द रोजी फेस्ड मैंडरिन, वाई? बैट बी ई टी एच, मैग की वो मैग वाली स्टोरी. बैट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द रोजी फेस्ड मैंडरिन एज शी स्टूड एट द विंडो. और वहाँ से द सनलाइट मस्ट हैव कलर्ड हर फेस इन द वार्म रेड ऑरेंज कलर ऑफ द सन रेज. ठीक है जी, इसलिए उसको रोजी फेस मैंडरिन कहा क्योंकि जब वो बेथ खड़ी थी खिड़की पे, सूरज की रोशनी उसके वार्म फेस पर पड़ रही थी और अपना ग्लो दे रही थी, इसके कारण उसका फेस रोजी फेस था. एंड चिल्ड्रन, द लास्ट 15th क्वेश्चन इज, इस पोएम से कुछ नहीं लिया था, उसको मैंने टच किया है. What lesson do you learn from the ant and the cricket? आपको ant and the cricket poem से क्या lesson मिलता है? The lesson we learn from the poem is to work hard and save for our future. यहाँ से शिक्षा मिलती है ant and the cricket से कि हमें मेहनत करनी चाहिए और अपने आने वाले समय, भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए. बिकॉज इन टाइम्स ऑफ नीड, क्योंकि जिस समय ज़रूरत होती है, नॉट एवरीबडी एंटरटेन्स अ हंग्री एंड नीडी नेबर.
जिस समय ज़रूरत होती है तो पड़ोसी भी उस समय एक भूखे इंसान को काम नहीं, हेल्प नहीं कर सकता, ज़रूरतमंद की हेल्प नहीं कर पाता। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए और इंसान को अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करना चाहिए, अपने बैड टाइम्स के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू बी सेल्फ रिलायंट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर बैड टाइम्स लाइक द एंट। एंट जैसे स्टोर करके रखती थी दाने अपने बैड टाइम्स विंटर के लिए, क्रिकेट नहीं रखता था। तो लेसन ये मिला, आने वाले समय के लिए कुछ बचा के लिखना चाहिए, खुद सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो बेटा दिस इज एक रिवीजन आई हैव डन फॉर योर सिलेबस। आई ऑल्सो पुट दीज पिक्स भी मैं भेज देता हूँ, समझ लग गया होगा लेकिन अभी आपको दोहराना होगा। मैं पिक्स भी भेज देता हूँ आपको। और इसी तरह बेटा जी, मैंने फन विद ग्रामर का भी एक रिवीजन बनाया है, आपको पहले भी भेजा था, अब मैं वो दोबारा फिर भेज रहा हूँ। वो फन विद ग्रामर का, ये सन बीम्स का, दोनों को अच्छे से रिवाइज करो और एग्ज़ाम में गुड मार्क्स लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।